यहाँ पर अभी हम टीन शेड पर पैनल बिछाने के लिए स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। बंद कर दूँ दोस्तों, सही प्रोसेस यही है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मिट के लिए एमेंट के लिए लग रहे हैं और हमने ये एंगल भी बिछा चुके हैं कुछ आधी थी ज़्यादा, तो हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये पल्लिंग बिछ चुकी है हमारी तीन सेट पे और ये हमारे मिट के लैम्प लगाया जा रहा है। तो ये हमारी एलंकी है, एलंकी द्वारा टाइट की जाएगी। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ से पैनल चढ़ा लिए हैं, इस फैक्ट्री के अंदर रखे हैं पैनल, यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं और यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ाए जाएंगे उधर। बने रहिए साथ हमारे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने 22x22 की स्ट्रिंग बनाई है, चार, ठीक है। अब उसका हम ये पॉजिटिव नेगेटिव निकाल रहे हैं, चार स्ट्रिंग होगा क्रिम्पिंग टूल के द्वारा। यहाँ पर हम उसको MCO कनेक्टर लगा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक एक काम तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने 30 kW के पूरे पैनल फिट कर दिए हैं, जिसमें हमने 325 W की 5 स्ट्रिंग बनाई है 19-19 पैनल की। तो ये हमारी पहली स्ट्रिंग कनेक्ट हो गई है यहाँ पर। ये हमने इस तरीके से वायर कनेक्टर है, ये MCO कनेक्टर है, यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल के द्वारा फिटिंग की जा रही है उनकी MCO कनेक्टर्स की। आपको दिखाना चाहेंगे हम, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रिंग निकाल रखे हैं यहाँ पर हमने पैनल के, और उनको चेक करते हुए जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, मल्टीमीटर द्वारा नेगेटिव पॉजिटिव को एक बार जरूर चेक कर रहे हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बंदरों की ज़्यादा परेशानी है, तो हमने डबल प्रोटेक्शन दिया है। PVC पाइप को हमने पल्लिंग के अंदर हमने सेट कर दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अंदर तक ले जा रहे हैं, अभी लाइटिंग अरेस्टर भी हम लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें एक कांटेदार वायर भी लगाया जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कांटेदार वायर है। तो फ्रेंड्स, जेन्युइन काम के लिए ही जाना है जाते हैं। ये हमारा 30 kW का सिस्टम ऑन ग्रिड लगाया जा रहा है, 19 मॉड्यूल की हमारी 5 स्ट्रिंग लगाई जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, सही प्रोसेस यही है लगाने का, तो आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ। दोस्तों, हमारा 32 kW का सोलर प्लांट लग के इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने एले लगा दिया है, वायरिंग दे दिया है। फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था, ये इन्वर्टर माउंटिंग का स्ट्रक्चर है, इसको हमारी फांसियों द्वारा टाइट किया जा रहा है, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारा
जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा एसी डीवी है, थ्री फेज का सिस्टम है हमारा, डेल्टा का इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये अपना, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये प्रोसेस यही है ऐड करने का। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एसी डीवी कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमने इन्वर्टर से थ्री फेज की केबल ले लिया और साथ में अर्थिंग का वायर भी लिया है हमने 16 mm का। अब यहाँ पर हम एसी टीवी में कनेक्शन कर रहे हैं, थ्री फेज कनेक्शन अपना 30 kW की लाइन का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से होके इस तरीके से जहाँ से जाने वाली है उस पावर सॉकेट के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम बस बार में कनेक्शन कर रहे हैं अपने सोलर प्लांट का इन्वर्टर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हमारा कनेक्शन हो चुका है पूरा, ये हमने केबल लेके इस तरीके से ये वहाँ लेके गए हैं इसको, बने रहिए आप। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सचिन चौधरी, सन फ्यूजन एनर्जी इंडिया आगरा से। तो दोस्तों ये हमारा 30 kW का सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम हमने लगाया है, ये लुनियाई रामबाग से आगे पड़ता है, लुनियाई आगरा, ये एवी वॉल्व फैक्ट्री है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मॉड्यूल पे, आप आ सकते हो। तो तीन सेट पे हमने सेट कराया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार ऊपर चढ़ के। तो दोस्तों देता कि आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये हमारी मॉड्यूल लग रही हैं। तो अभी धूल जम रही है कि थोड़ी वॉशिंग से हम सफाई करवाएंगे। तो आप अलाइनमेंट भी देख सकते हो हमारा लगाने का तरीका, तो जेन्युइन काम के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पे पाथवे के लिए अपने जगह छोड़ दी है, अभी पाथवे लगाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, और ये मॉड्यूल लग रहा है, और यहाँ बंदरों की वजह से हमने ये डबल सेफ्टी दे रखी है, पीवीसी पाइप कंड्यूट में हमने अपनी पल्लिन में सेट कर दिया, जिससे कि बंदर इसमें डैमेज नहीं कर सके, जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे। और हमारी लाइटिंग अरेस्टर में भी हमने नुकीले वायर से सेफ्टी कर दिया है, जैसे कि, और ये कंड्यूट लग रहा है, ये टच ना करे। तो फ्रेंड्स, हम जेन्युइन काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारी टीम है, मिस्टर तिमम वर्मा और शुभम चौधरी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन्वर्टर की तरफ ले जाता हूँ नीचे, जो हमारे माउंट इन्वर्टर माउंट कराया हमने। तो
दिया है बिल्कुल।